बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू कीमा, वो भी इतने आसान तरीके से कि जिसको कुछ भी बनाना नहीं आता वो भी आसानी से बना ले। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डाल लेंगे 1 किलो कीमा। कीमे को हमने थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और इसमें हमने 2-3 छोटी छोटी हड्डियाँ ले ली थी ताकि इसका रस जो है वो भी अच्छे तरीके से कीमे में जज्ब हो जाए। इससे आपका कीमा बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही इसमें डाल देंगे 2-3 मीडियम प्याज इस तरह कट करके, और इसमें डाल देंगे मज़ीद हम 2-3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरीके से कट करके। अब इसमें डाल देंगे कुछ मिसाले, 2 स्टिक दालचीनी के, 10-12 काली मिर्चें, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1.5 गिलास पानी डाल लें इसमें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे हम कवर। शुरू के 2 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर इसकी आंच हल्की कर देंगे। बीच में हमने 2 दफ़ा चम्मच चला दिया था। आइए देखते हैं कीमे की अब क्या पोजीशन है। कीमे में पानी खुश्क हो चुका है और कीमा हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है। टमाटर प्याज अच्छी तरीके से यकजान हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसकी हम भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा आपका कीमा बनकर तैयार होगा। साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे और साथ डाल देंगे 2-3 हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे। साथ ही हमने लिए थे 2-3 आलू मीडियम साइज़ के, उनको हमने चकोर कट कर लिया था। उसको आप कीमे में ऐड कर दें और 2-3 मिनट तक आलू और कीमे को भुनाई करें, और साथ ही इसको कर दें कवर। 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आलू कीमा बेहतरीन तैयार हो चुका होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा कीमा दिख रहा है। बड़ी अच्छी और प्यारी सुंदर खुशबू आ रही है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ सर्व करें। यकीन माने बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कीमा बनकर तैयार होगा। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।